स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में चैप्टर नंबर 5 करेंगे। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, ठीक है। और इस चैप्टर के जो रचयिता है या लेखिका है, उनका नाम है चपला देवी। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ अनेक महिलाओं ने भी अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही है। कई बार अनेक रचनाकार इतिहासकार में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधु पंत नाना साहेब की पुत्री बालिका मैना आज़ादी की नहीं, सिपाही नन्ही सिपाही थी, जिसे अंग्रेजों ने जलाकर मार डाला। बालिका मैना के बलिदान के कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है, उसे हम निपोर्ताज का प्रारंभिक रूप कह सकते हैं। मातृभूमि की स्वतंत्रता और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनके जीवन का उत्कर्ष हमारे लिए गौरव और सम्मान की बात है। उस गौरवशाली किंतु विस्मृत परंपरा में किशोरी पीढ़ी को परिचित कराने के उद्देश्य से इस रचना को हिंदू पंच के बलिदान अंक से लिया गया है। हिंदी गद्य के प्रारंभिक रूप को विद्यार्थी जान पाए, इसलिए इस गद्य रचना को मुद्रण और वर्तनी में भी बिना किसी परिवर्तन के अविकल प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। आगे पढ़ते हैं चैप्टर। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह नेता धुंधु पंत नाना साहब कानपुर में असफल होने पर जब भागने लगे, तो वे जल्द में अपनी पुत्री मैना को साथ ना ले जा सके। देवी मैना विठुर में पिता के महल में रहती थी। देखो, ये जो कहानी है 1857 की है। 1857 में क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह में धुंधु पंत नाना साहब ने जो है अंग्रेजों का भी विद्रोह किया। अच्छा, इस विद्रोह में जब वो असफल हो गए, तो अंग्रेजों ने क्या किया, उस विद्रोह को दबा दिया। तो नाना साहब जो है अपनी जान बचाने के लिए जो है भाग गए, लेकिन वो इस जल्दबाजी में अपनी पुत्री मैना को जो है साथ ले जाना भूल गए। पर विद्रोह दमन करने के बाद अंग्रेजों ने बड़ी ही क्रूरता से उस निरीह के निरपराध देवी को अग्नि में भस्म कर दिया। लेकिन जो उनकी पुत्री मैना थी, अंग्रेजों ने क्या किया, अपनी क्रूरता दिखाई और उनकी पुत्री मैना को क्या किया, भस्म कर दिया, यानी उनको जला दिया। उसका रोमांचकारी वर्णन पाषाण हृदय को भी एक बार द्रवीभूत कर देगा। मतलब ये इतना जो है दर्दनाक जो है दृश्य है, जो अगर किसी पत्थर का भी हृदय होगा किसी व्यक्ति का, तो उसको भी क्या कर देगा, वो पिघला देगा। कानपुर में भीष्म हत्याकांड करने के बाद अंग्रेजों का सैनिक दल बिठूर की ओर गया। बिठूर में नाना साहब का राजमहल लूट लिया गया, पर उसमें बहुत थोड़ी संपत्ति अंग्रेजों के हाथ लगी। उसके बाद अंग्रेजों ने तोप के गोलों से नाना साहब का महल भस्म कर देने का निश्चय किया। सैनिक दल ने जब वहां तोपें लगाई, तो उस समय महल के बरामदे में एक अत्यंत सुंदर बालिका आ खड़ी हो गई। उसे देखकर अंग्रेज सेनापति को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह महल लूटने के समय वह बालिका वहाँ कहीं दिखाई नहीं दी। अब क्या हुआ, कहानी में ये बताया गया है कि जो अंग्रेजों ने जो है जब बिठूर के जो महल है उसको लूट लिया, ठीक है, उसको जब लूटा, तो और उसके बाद उसके जो भी संपत्ति थी, वो ज़्यादा संपत्ति उनको नहीं मिली, और उनको उसके बाद महल को जो है उन्होंने भस्म करने का निश्चय किया। जब वो महल को भस्म करने के लिए उन्होंने जब तोपे लगाई, तो एक नन्ही सी जो बालिका जो है उनके सामने आ खड़ी हुई। सभी हैरान थे कि भैया, जब उन्होंने क्या किया था, महल को लूटा था, तो वो बालिका उनको कहीं दिखाई नहीं दी। लेकिन जब वो अब उसको क्या करना चाहते हैं, महल को नष्ट करना चाहती है, तो एक नन्ही सी बालिका जो है उनके सामने आ खड़ी हुई है। उस बालिका ने बरामदे में खड़ी होकर अंग्रेज सेनापति को गोले बरसाने से मना किया। उसका करुणापूर्ण मुख और अल्पवयस देखकर सेनापति को भी उस पर कुछ दया आई। सेनापति ने उससे पूछा, क्या चाहती हो।